लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं। बीजेपी ने सभी 6 सीटों पर जीत का दावा किया है। भाजपा के दावे पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा ने कहा कि जनाधार खो चुकी भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में है कि वह पहले चरण की सभी 6 सीटें जीत लेगी। प्रदेश की जनता जानती है मोदी की गारंटी थोपी हुई गारंटी थी, मोदी की गारंटी झूठी है। उन्होंने कहा कि जो गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने की बात कही थी वह नहीं दिया है। किसान, नौजवान और बहनों के साथ धोखा किया गया है। मोदी की गारंटी धोखा साबित हुई है। जनता ने पूरी सतर्कता और जागरूकता के साथ न्याय के लिए वोट किया है, क्योंकि जिस तरीके से आम जनमानस घर से निकला है यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मध्य प्रदेश की बात हो या अन्य जगहों पर जो मतदान हुआ है, तो वहाँ जनता ने अपने हक अधिकारों के न्याय के लिए एकजुट होकर मतदान किया है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जितनी तादाद के साथ, जिस जोश के साथ जनता ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भरोसा किया है, या रैलियों में हमारा या हमारे जनप्रतिनिधि जो लगातार जनता से संवाद कर रहे थे, जिस ऊर्जा के साथ उनका हौसला बढ़ाया, इस बात को मैं मानता हूँ कि हमारी जनता ने हमारा पूरा भरपूर समर्थन करने का प्रयास किया और न्याय के लिए वोट किया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।